हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्टिविटी 3 किया था ना। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और 3, 4 आप लोगों ने खुद करना था। डू योर सेल्फ 3, 4 सम। तो टुडे वी विल डू 5, 6, 7, 8। तो हम बस 8 तक ही करेंगे। ये जो 4 सम है ना, ये आप लोगों ने क्रॉस कर देने, 9, 10, 11, 12। हम सिर्फ 3 डिजिट तक ही करेंगे एक्सपेंडेड नोटेशन। बाकी ये नीचे वाले 4 आप चारों क्रॉस कर देना, 9, 10, 11, 12। ओके, इसमें अब मैं 5 और 6 आपको करवाऊंगी, 7, 8 आप लोग खुद करोगे। लुक एट द बोर्ड। यस, हमने पहले एक्सपेंडेड नोटेशन में 2 डिजिट के किए थे ना। हम जब यहाँ 2 डिजिट थे तो हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे। अब यहाँ 3 डिजिट है तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। इन टीएस को 115 को कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट पहला नंबर क्या, 1 के पीछे कितने डिजिट है, 1, 2, तो 2 0 लगा दोगे। ओके, फिर लगाओगे प्लस, एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे ही करते थे ना। दूसरा नंबर भी 1 है, 1 के पीछे कितने डिजिट, 1, तो 1 0 प्लस लास्ट डिजिट क्या है, 5, और ये वाला मल्टीप्लाई और ये वाला 3। ओके, जैसे हम 2 डिजिट को बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे ना, जब अंदर 2 थे, 3 को बाहर वाले नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर 3 है, 3 नंबर है, तो अब बाहर वाले 3 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे। पहले 3 को करोगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 को करोगे 10 के साथ, फिर 3 को करोगे 5 के साथ। तो मैंने कहा 100 मल्टीप्लाई 3। प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस फिर आगे 5 मल्टीप्लाई 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 100 को 3 के साथ, 10 को 3 के साथ, 5 को 3 के साथ। 100 3 300 प्लस 10 3 30 प्लस 5 3 50। ओके, अब इन तीनों को आपने प्लस कर देना, रफ वर्क में करोगे, ये बिल्कुल साइड में। 300 प्लस 30 प्लस 50, जब प्लस किया तो क्या आ गया, 5 का 5, 3 प्लस 1 4, 3 का 3, तो क्या आ गया, 345। तो इसका आंसर क्या आ गया, 345। ये रफ वर्क आपने साइड में करना बिल्कुल नोटबुक पर। ओके, अब हम 6 सम करेंगे। 6 सम देखो, ये भी ऐसे ही करेंगे, 3 डिजिट को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्यूशन, ब्रैकेट 4, 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे, प्लस दूसरा 5 है, 5 के पीछे 1 डिजिट है, 1 0 प्लस लास्ट वाला 5। ओके, ब्रैकेट क्लोज, ये मल्टीप्लाई 2 बाहर। अब इसी 2 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को पहले करोगे 400 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 50 के साथ, फिर 5 के साथ। तो 400 मल्टीप्लाई 2 प्लस 50 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बड़ा नंबर आ गया, तो आप इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 400 मल्टीप्लाई 2, रफ वर्क में करोगे बिल्कुल साइड में नोटबुक के, 200 200 2 4 8 800 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ लिख दोगे 800 प्लस, आप 50 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रफ वर्क में देख लो, 200 2 5 10, 100 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, आ गया 100 प्लस 5 2 10। फिर अब आप में इन तीनों को प्लस कर लोगे आप। ओके, 800 प्लस 100, 5 2 10, सॉरी यहाँ पर 10 था, 5 2 10। ओके, फिर यहाँ पर 10 प्लस कर दोगे, 0 का 0, 1 का 1, 8 प्लस 1 9 10, तीनों का प्लस क्या आ गया, 910। ये आपका क्या आ गया आंसर। रफ वर्क आपने बिल्कुल साइड में करना है नोटबुक के। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन,
टू टू लाइन छोड़ देनी हर पार्ट करते टाइम। ओके,